एक ऑस्ट्रेलिया के विदेश का एक आदमी था जिसका नाम था विक्टर सेरेब्रियकोव। तो ये जो व्यक्ति था, ये जब अपने स्कूल गया तो 15 साल की आयु में ये बड़ा मंदबुद्धि था, और बबच्चों की अपेक्षा ये 3 बार फेल हो गया एक ही कक्षा में। तो एक बार टीचर ने इनके माता पिता से कहा, माता पिता ने कहा कि आप ध्यान दें, लेकिन एक दिन टीचर को बड़ा गुस्सा आ गया, प्रिंसिपल ने इसे मार लगाकर कह दिया, तू डफर है, तेरा स्कूल आना ना आना बेकार है, तू कुछ नहीं बन सकता अपने जीवन में क्योंकि तू मंदबुद्धि है, तू मूर्ख है, निकल जा यहां से, अब मत आना। इसने पढ़ाई नहीं की, स्कूल का नाम तक नहीं लिया, गया ही नहीं पढ़ने के लिए, मेहनत करता रहा, बड़े बड़े मेहनती काम किए, कभी मजदूरी की, कभी लकड़ी काटने का काम किया, बहुत सारे काम किए, प्रेरित किया कि तुम सेना में भर्ती हो जाओ। और जब ये सेना में भर्ती होने के लिए गया तो वहां पर एक आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि इसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस, ये कितना इंटेलिजेंट है, यानी एक आईक्यू होता है, हमारी सबके अंदर एक एक आईक्यू लेवल है, किसी का 150 होता है, किसी का 140 होता है, किसी का उससे भी कम होता है, जो आइंस्टीन था उसका 160 या 61 के आसपास था आईक्यू लेवल, लेकिन उसका 161 यानी 161 लेवल निकला, यानी ये 1 लाख में से किसी एक व्यक्ति का होता है। उसको तब पता चला मैं जीनियस हूं, यानी लाखों में से कोई एक बालक ऐसा निकलता है और मैं अपने अध्यापक की बात पर आकर अपने आप को पहचान ना सका, मैंने अपने को मंदबुद्धि समझा अब तक। उसने क्या किया, जब उसको अपना विश्वास हुआ, अपने बारे में पता चला, तो उसने फिर पढ़ाई की। जो लोग 10 से 15 वर्ष बर्बाद करते हैं, वो उसने 5 वर्ष में सारी शिक्षा हासिल कर आईक्यू पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी, और एक दिन वो इतना महान आदमी बन गया। एक मेंसा नाम की सोसाइटी है, मेंसा नाम सुना है आप किसी ने, नहीं सुना, सर्च करिएगा, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट सोसाइटी कहा जाता है उसे, मतलब यानी जितने भी बुद्धिमान लोग हैं संसार में, वो जो संस्था है वो ऐसे लोगों को चयन करती है और अपना सदस्य बनाती है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। और इस समय उस संस्था के पास अब तक 1 लाख सदस्यता है, यानी पूरे विश्व भर में 1 लाख बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान इंसानों का उन्होंने आईक्यू लेवल चेक करके अपनी संस्था का सदस्य बनाया है। उस संस्था का वो चेयरमैन बना और पूरे विश्व भर में उसने नाम रोशन करा। कब किया, और ये नाम रोशन की जो प्रोसेसिंग थी मात्र 15 वर्ष के अंदर हुई उसके जीवन के। आप विचार करें कि एक आदमी जो कुछ भी नहीं था लेकिन अपने आप को जान पाया तो कितना बड़ा इंसान बन गया कि विश्व भर में आज उसे लोग जानते हैं। वो अब नहीं रहा लेकिन फिर भी उसके नाम से बड़े बड़ी चीजें लिखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को परिश्रम में लगाया। अब अवचेतन मन को कैसे जगाएं, उसके लिए आप जिस लक्ष्य की ओर अपने, अगर आपने बहुत सारे लक्ष्य बना रखे हैं, कई कई युवा इसलिए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको संदेह होता है कि हमने जो राह चुनी है इससे अलावा अच्छा मेरे मित्र ने जो चुनी थी वो चुनना चाहिए था, मैंने इंजीनियर बनने का सोचा है, मुझे डॉक्टर, तो भटक जाते हैं फिर, ना तो वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं ना ही ये प्रकृति और परमात्मा आपका साथ दे सकते हैं। तो आप अपना एक निर्णय लें, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अध्यात्म राह में आना चाहते हैं तो फिर उसके बाद कोई दूसरी राह नहीं चुननी है, ये मन में आने ही नहीं चाहिए, लक्ष्य एक होता है। जो लक्ष्य बार बार बदल रहे हो, वाकई अभी आपको सोचना चाहिए उसकी ओर कि आप लक्ष्य पर नहीं हैं। जहां आपको उस लक्ष्य के प्रति लगाव प्रेम नहीं है, समझिए आपका वो लक्ष्य है ही नहीं। जिस लक्ष्य के लिए हमारे अंदर प्रेम होता है वही हमारा लक्ष्य होता है, लेकिन जिस लक्ष्य को लेने के बाद भी अनेक बातें आती हैं
कि ये भी हो जाता ये भी हो जाता, हमने कहीं गलत निर्णय, तो आपका लक्ष्य नहीं। अभी आप डिसाइड करें, निर्णय करें, सोचें आपको प्रिय क्या है, वो आपका लक्ष्य होता है। और उस ओर आपको महान बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि प्रतिदिन 10 मिनट अपने लिए समय निकालें, उस लक्ष्य की ओर ध्यान दें, उसका चिंतन करें, हरि का चिंतन करें, और बार बार उस चीज को सोचें और आगे बढ़ें। उसका प्रभाव आपके अवचेतन मन पर पड़ेगा। तो इस तरह से ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो यहाँ वो भाई अगर बहन बैठे होंगे तो उनको पता चल गया होगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।